हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वॉन्डर विद अज़र। तो भाई मैं इतने आराम से ब्लॉग स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ भाई, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 3:30, यानी कि सुबह सुबह या रात मान लो या सुबह मान लो, जैसा ठीक लगे ऐसा कर लो। और सीन क्या है कि भाई हम जा रहे हैं अमरोहा, जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि हम कहीं जा रहे हैं कल, तो वही है भाई। आज है फ्राइडे और हम जा रहे हैं अमरोहा यावर भाई के घर। मतलब वहाँ पे आम आम का सीन है, बाग वाग का सीन है, ट्यूबवेल का नहाने का सीन है, तो भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं। तो घर पर तो मैं ज़्यादा बात करूंगा नहीं, क्योंकि भाई घर पर सब सो रहे हैं। 4:30 बजे निकलने का सीन था, 3:30 बज रहे हैं अभी। बस मैं सोया तो हूँ नहीं भाई, मैं पूरी रात अब बस जाके नहाऊंगा वहाँगा मस्त तैयार वैयार होके, गोप्रो वोप्रो हेलमेट पे माउंट करके, और निकलेंगे भाई सीन। सो भाई सब आ गए हैं मीटअप पॉइंट पे, सिर्फ विक्की भाई बच रहे हैं। क्या हाल है भाई, मेरा कैंसिल हो गया तुम समझ गए थे ना। सो भाई ये देखो पारो, जो कि मैं आपको बता रहा था लास्ट व्लॉग में कि रैप हो रही है, और ये देखो भाई क्या रैप हो गई है ये पूरी। अभी तो पता नहीं चलेगा, दिन निकलने दो और फिर देखना भाई आप, ये क्या जबरदस्त लग रही है। कार्बन फाइबर, कैमेलियन रैप ग्लॉस, और भाई लाजवाब एग्जॉस्ट भी भाई जबरदस्त। अंकल भी आ गए और बाकी सब लोग भी आ गए। एक भाई रह रहे हैं अभी, विक्की भाई। विक्की भाई मिलेंगे हमें जहाँ से हाईवे स्टार्ट होगा वहीं पर ही। तो भाई मैंने तो बाइक भी साफ़ नहीं करी जल्दी जल्दी में। मुझे और दानिश भाई को लेना है पेट्रोल, तो हम पहले पेट्रोल भरवाएंगे और फिर जाएंगे, और ये सब हमें मीटअप पॉइंट पे मिलेंगे। चलो आ जाओ। तो भाई जो मीटिंग पॉइंट था मेन हमारा वो है ये जैन शिकंजी, जहाँ से हाईवे स्टार्ट होता है वहीं पे ही है। और भाई अब देखो दिन निकलने लगा, तो अब देखो पारो को भाई क्या नेक्स्ट लेवल कर दिया। और ये देखो भाई कार्बन फाइबर, और ये देखो भाई भाई काफ़ी शानदार लग रही है भाई, काफ़ी जबरदस्त लग रही है। आगे से दिखा दो एक बार, ये देखो भाई देख रहे हो बड़ी खतरनाक लग रही है भाई। और बाकी सारी बाइक से रही, अभी रोहन भाई रह गए पीछे, और देखो चाय सुबह सुबह की पहली चाय, बाइक से रही भाई अपनी सारी। मैं भी सोच रहा हूँ कि रैप करवा लूँ या कुछ करवा लूँ, अगर कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट भर दिया कि भाई रैप करा लो तो भाई रैप हो जाएगी, वरना फिर देखते हैं। पर भाई लाजवाब दिल जीत लिया। और ये कार्बन फाइबर जो है, कार्बन फाइबर रैप नहीं है, ये डिप है भाई। बाकी रोहन भाई का वेट हो रहा है, वो आ जाए और फिर निकलेंगे भाई आगे। सो भाई निकल गए फाइनली, और भाई निकलते निकलते लेट हुए थोड़ा सा, क्योंकि सबको इकट्ठा इकट्ठा करने में, और पारों में हो गया था पंचर, वो पंचर ठीक करवाया, क्योंकि भाई रिस्क लेने का बिल्कुल भी, मस्त राइड जाने वाली है। लेकिन स्टार्टिंग में ही भाई पंचर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मज़ा काफ़ी ज़्यादा आने वाला है। और देखो भाई चलती भी कैसी लग रही है, ये देखो भाई क्या ही सेक्सी लग रही है, लुक ही हाल चाल सब बदल डाला भाई बाइक का तो भाई आज नो व्हीली, अंकल साथ में भाई बहुत डांटेंगे बहुत चिल्लाएंगे, कहीं आगे पीछे हुए तो बात अलग है, वरना भाई साथ में तो बिल्कुल नहीं करना। और मौसम भाई, मौसम एकदम एक नंबर हो रहा है, फुल मजा आ रहा है फुल। 160 किलोमीटर है जो हमें चलना है टोटल, और 160 नहीं 150 के करीब है, यानी कि 2.5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि हाईवे हाईवे है, तो मज़ा आएगा भाई। और वहां जाके जो मज़ा आने वाला है ना, वो तो नेक्स्ट लेवल है। राइड हमारी स्टार्ट नहीं हुई और प्रॉब्लम हमारी स्टार्ट हो गई है। प्रॉब्लम ये है रवि भाई का टायर भाई पंचर, मतलब पंचर हुआ, उसके बाद वो चलानी पड़ी क्योंकि पंचर वाले तक जाना था, और उसके बाद भाई वो टायर ख़राब हो गया। अभी हमने एक टायर का जुगाड़ किया है जो कि है गाज़ियाबाद में, अब वहाँ जाएंगे टायर चेंज करेंगे और भाई फिर आगे निकलेंगे। मतलब ये तो होने होना, टायर का सीन हमारे साथ होता ही होता है, हर बार होता है भाई। अब पता नहीं देखो कितना टाइम लग जाएगा हमें अब टायर चेंज करने में और आगे निकलने में, पर पहुँच जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से भाई अपना टायर अभी यहीं से चेंज हो जाएगा, तो हमें दिक्कत नहीं होगी ना जाने में ना आने में, और अगर हम ऐसे ही गए तो भाई दिक्कत हो सकती है। तो अभी हम बाकी लोगों को आगे भेज रहे हैं, और मैं रवि भाई और रोहन भाई, क्योंकि नेविगेशन उनके पास है, हम टायर चेंज करवा के फिर आएंगे। हम 4 लोग जा रहे हैं टायर चेंज करवाने, बाकी सब जा रहे हैं आगे। हम पहले टायर चेंज करवाएंगे, फिर हम इन्हें मतलब कैच कर लेंगे कहीं ढाबे वगैरह पे, रुक जाएंगे शिवा ढाबा पड़ेगा रास्ते में, तो यही सीन है भाई, अब टायर वायर चेंज करवाएंगे हम। इधर जाना है अरे तो चलो ना, तुम सीधा सीधा आओ। तो भाई सीन ये हुआ, अभी पुलिस वाले थे और रोहन ने पुलिस वालों को देख के बाइक घुमा लिया, मुझे लगा पीछे जाना आगे जाना, भाई ये घबरा गया बंदा। अबे यार अबे यार ये क्रेजी सीन था ये। तो
भाई टायर तो हमने ले लिया है और अब हमें पहुंचना है शिवा ढाबा, क्योंकि बाकी सब जो राइडर्स हैं वो शिवा ढाबा पहुंचेंगे। हम हैं पीछे क्योंकि हम टायर लेने रुक गए थे। और टायर दिखा दो मैं अभी कहाँ है। ओ भाई कैसे निकल के आया भाई, ये पुलिस वाला था जो ऐसे निकल के आया है। तो टायर ये ना देख लिया आपने, टायर कैसे लेके जा रहे हैं हम। अब जहाँ भी भाई लगा मौका वहीं बदल देंगे, वहीं चेंज कर डालेंगे। हाईवे पर तो हम आ गए हैं वापस और यहाँ से हम रो रह गया 105 किलोमीटर टोटल, यानी कि 150 किलोमीटर के आसपास था। हम 50 किलोमीटर चले हैं अभी तक, कम से कम 2-2.5 घंटे हो गए भाई। पर मज़ा आ रहा है भाई, जो बात राइड करने में ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही है मस्त और गर्म नहीं हो रहा मौसम, सबसे बढ़िया बात तो ये है। और जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो मस्त गर्मी हो गई होगी और हम वहाँ नहाएंगे ट्यूबवेल वगैरह में, तो मज़ा ही आ जाएगा भाई। सर सिचुएशन कोई भी हो भाई, अरे डरा दिया यार मुझे, मैं ब्लॉक करता जा रहा हूँ यार, ऐसे हो गई यार कसम खुदा की मैं डर गया यार। तो भाई मैं ये बोल रहा था, मैं ये भी बोल रहा क्या बोल रहा था, हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि भाई सिचुएशन कुछ भी हो आप बस इंजॉय करो, आप इंजॉय करने निकल रहे हो, कोई जल्दबाजी थी नहीं, मस्त हम इंजॉय करते हुए जा रहे हैं। मतलब टायर भी ख़राब हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन भाई मस्त इंजॉय करो, उसमें मज़ा आता है, अलग ही मज़ा आता है भाई। सिचुएशन कोई भी हो आप मस्त इंजॉय करते हुए चलो। और मुझे अब लगता है कि अब ये टायर पंचर नहीं हुआ, क्योंकि इसने हरकत कर ली जितनी करनी थी। अभी से पता है ना कि हमारे पास है एक्स्ट्रा टायर, जहाँ इसने हरकत करी हम बदल देंगे। तो आज अब नहीं करने वाला ये हरकत। आगे दिख रहा है मुझे खाली रोड और बढ़िया साफ रोड, तो व्हीली मार दूँ क्या। अच्छा वो अंकल आगे चले गए, मतलब ये सिचुएशन भी देखो अच्छे के लिए होती है, अंकल आगे चले गए मुझे व्हीली मारने का मौका मिल गया। और भाई पारो देखो साइड से क्या लग रही है भाई, पारो देखो क्या लग रही है भाई, सेक्सी एकदम। फिर से खाली रोड, मज़ा ही आ गया भाई। सो भाई दिल्ली को कर दिया हमने बहुत दूर और हम पहुँचने वाले बस शिवा ढाबा पर, थोड़ी सी देर का और रास्ता बचा हुआ क्योंकि टोल टैक्स वगैरह सब क्रॉस कर दिया हमने। जो डासना का टोल टैक्स पड़ता है इधर की साइड, वो सब क्रॉस कर दिया, बस शिवा ढाबे की देरी है। जल्दी से आ जाए तो हम देखते हैं रुकेंगे, शायद ज़्यादा देर ना रुकें क्योंकि निकल जाए, क्योंकि भाई जब से निकले रुक ही रहे थे। तो यही सीन है भाई, बाकी मज़ा ज़बरदस्त आ रहा है। स्लो स्लो चल रहे हैं, 100 पे क्रूज कर रहे हैं, बी बी पे विली मार रहे हैं, बस यही चल रहा है, बाकी तो सब बढ़िया ही है। मैं पूरी रात नहीं सोया और अब धूप पड़ रही है ना आंखों में, तो आँखें चिंदिया सी रही है मेरी, सुबह एकदम सूरज बिल्कुल सामने है, बढ़िया वाला। एक बार और, तो मैंने पीछे विली मारी थी तो भाई बोलने लगे एक बार और। रिएक्शन देखे भाई, वो पहली वाली विली रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं उस टाइम, गोप्रो ऑन नहीं था, मैंने बराबर में तो फ्लाई दिया इन लोगों को एक टायर पे। तो भाई वो बोलने लगे कि भाई एक बार और देखते हैं क्या रिएक्शन देते हैं। वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो भाई क्रेजी, भाई क्रेजी, बड़े जबरदस्त रिएक्शन थे। एक दिन की हमारी रोड ट्रिप हो गई है बढ़िया वाली। क्या हो गया भाई, क्यों रुके हैं? भाई गाड़ी देख के रुक गया, क्या क्या बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो भाई इन लोगों को फोटो ले रही है, उन्होंने व्हीली देखी थी पीछे, फोटो के लिए बोल रहे हैं साथ में। ओ भाई एक बार और, भाई भाई एक रुपए, 5 रुपए का। ओ भाई दिन भाई बैक पार्ट दिख रहा है इसके तो। ओ भाई यार, तो भाई ये अब आके डिकैट हुई है, वो भी मेरी वजह से इतना कहने के बाद। सो भाई एक छोटा सा बच्चा हमें मिला। हेलो हेलो, कैसी लगी आपको बाइक्स? अच्छी लगी आपको? खिंचाओ इधर आ जाओ।
थैंक यू. चलिए थैंक यू. तो भाई देखा आपने कितने क्रेजी रिएक्शन थे. और इधर देखो एक और भाई आए फोटो के लिए. बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल. चलो शिवा ढाबा हो रहा भाई लेफ्ट में. मैंने सही बोला था ना बिल्कुल फ्लाई ओवर उतरते ही आ जाएगा. वो बोर्ड तो दिख गया है वही आगे लेफ्ट में ही है. सो ये सब पीछे आ ही रहे हैं. ज़्यादा पीछे तो नहीं है मुझे लाइट दिखी थी वो ही. भाई पूरा शिवा ढाबा उछाल दिया. इधर सब हमें देखने लगे. एक तो इतनी लाउड बाइक, इतनी खतरनाक लाउड बाइक. और पहुंच गए टाइम पे. ओह क्या हुआ? बढ़िया चल रहा है. हम तो रुक गए थे ऐसे ही. वो रहा टायर. रिएक्शन देखो भाई सामने से हर कोई बाइक को ही देख रहा है. चाबी मैंने निकाल भी ली मुझे याद भी नहीं. और अब देखो भाई पूरी सनलाइट में देख लो कैसी लग रही है. रंग बदल लिया ग्रिगेट बना दिया पारो को. रंग बदल लिया हर तरफ से अलग रंग. भाई फोन निकाल लो. सो भाई अब जा रहे हैं अंदर. और अभी टाइम पता नहीं, मैंने टाइम चेक नहीं किया क्या टाइम हो रहा है. लेन पहुंच गए खैरियत से और टायर वायर भी ले लिए. देखो टायर अभी तक ऐसी है. ऐसे जाएंगे अंदर टायर लेकर. और सब हमें देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा शर्म आती है. तुम्हारे भाई को बहुत ऑकवर्ड लगता है जब ऐसे देखता है. पर कोई दिक्कत नहीं है, हम कैमरे पर फोकस करेंगे और बोलते रहेंगे. और ये रहा भाई कुछ ऐसा सा है. काफ़ी आए भाई यहाँ पे. हम आपने पहले के ब्लॉग्स भी देखे होंगे. जो मुझे पहले से फॉलो कर रहा है उसे पता होगा कि हम कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पर. अरे अंदर ही बुला लेने. ये देखो भरपूर क्राउड इतनी सुबह सुबह. और सब हम ही देख रहे हैं गेट्स भी इसमें ऐसे हेलमेट हेलमेट लेके. ये देखो रिएक्शन से भाई क्या क्या सुनने को मिल रहा है. अंकल बोल रहे हैं कि सुपर बाइक सबसे लास्ट में आ रही है. सही है भाई सही है. अंकल कैसे राइडर हैं सब? कैसे राइडर हैं सब? सही है सारे? ढीले तो नहीं है? कौन ढीला है कौन है? सब में ढीला. पापा ने पहले इशारा कर दिया. आई एक्सेप्ट. और कोई बात नहीं आएगा. एज का फर्क होता है. कब? अंकल मैं बाइक अच्छी राइडर हूँ. सही में पास हो भाई. तो भाई चाय और पकौड़ा चल रहा है यहाँ पे. और एक आते फिर निकलते हैं यहाँ से. 35-40 किलोमीटर बच रहा है बस, है ना? 35-40 किलोमीटर बच रहा है और पता भी नहीं चलेगा कब पहुँच जाएंगे यहाँ. मुझसे टायर चेंज करने का सोचा है या नहीं? करेंगे करोगे? अभी यही सोचा है कि टायर अभी तो सही है, पंचर दोबारा हुआ नहीं है, तो वहीं चेंज कर लेंगे. टाइम मिलेगा क्योंकि पूरा दिन हमारे पास. मज़ा आ गया भाई चाय में.